नमस्कार बाल दोस्तों, वेलकम टू ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जो आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप सभी को यूट्यूब पे सबसे पहले देखने को। बाल दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर विषय यानी कि भाषा सज्जता। इसके अंदर हम बातचीत करेंगे वचन परिवर्तन। तो आपको बता दें कि वचन परिवर्तन में 6 से लेके 8 तक के काम आता है और आगे भी काम आता है। तो आज आपको वचन परिवर्तन के बारे में हम समझाएंगे। आप नोटबुक लेके लिखने को लिए तैयार हो जाए। जो जो हम मुद्दे की चर्चा करेंगे आपको लिखना होगा और समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं वचन परिवर्तन। तो पहले क्या किया है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। तो पहले ये शब्दों को आप लोग क्या क्या करना है, पढ़ने का है। जैसे कि ताला तो ताले, लड़का तो लड़के, घोड़ा तो घोड़े, बेटा तो बेटे, कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपया रुपए। तो इस शब्द के अंदर आपने देखा होगा ताला, तो यहाँ क्या हुआ ताले, लड़का तो यहाँ क्या हुआ लड़के, घोड़ा तो घोड़े, बेटे तो बेटे, यहाँ टे आया, कमरा तो कमरे रे आया, छाता तो छाते ए ते आए, तोता तो तोते और रुपया तो रुपए। तो इन सभी के पीछे देखो क्या है, ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारण पुल्लिंग, ये क्या है आकारण पुल्लिंग, शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ के आ को एक कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे आ हो, जैसे कि ताला, तो यहाँ देखे ताला छे, तो यहाँ आ है, तो आ को क्या कर देंगे ए लगाएंगे, तो यहाँ क्या है ताले हो जाएंगे, आ निकल जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ताले। तो तभी ये क्या बन जाएगा वचन, बहुवचन बन जाएंगे। तो इस तरह बाल दोस्तों, पहले में एक कौन सा पत्ते लगाएं, जो अंतिम शब्द आ हो तो उसके जगह पे क्या ए कर दिया जाता है, तो बहुवचन बहुवचन में बन जाता है, यानी कि वचन परिवर्तन होता है। ये पहला नियम है जिसके अंदर ए लगाने से, यहाँ आ के अंतिम स्वर आ हो तो ए लगाने से क्या बन जाता है बहुवचन बन जाता है। अब दूसरा देखते हैं उदाहरण, यहाँ क्या रात राते, बहन बहने, किताब किताबे, भैंस भैंसे, दीवार दीवारे, आँख आँखे, सड़क सड़के, बात बाते। तो यहाँ क्या आ गया, ये क्या है आकारण पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है अकारण, और ये क्या है आकार स्त्रीलिंग। तो इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारण स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। यहाँ भी क्या ए खाली, और यहाँ कौन सा ए, ऐसा है ए जोड़ दिया था ए। तो ये क्या स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग कौन सा अकारण, अकारण स्त्रीलिंग। तो तुम्हें आप देख सकते रात को क्या कहते हैं रातें, तो यहाँ समझाते हैं आपको, जैसे कि यहाँ रात लिखा है ए रात, तो यहाँ पे क्या अकारण स्त्रीलिंग है वत्ता बराबर, तो यहाँ क्या कर दिया गया राते, ऐसे माथे मिंडो, तो यहाँ पे क्या जोड़ा गया यहाँ ये अ के सामने ऐसे। तो इस तरह यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द है तो ए जोड़ने से क्या बन जाता है बहुवचन बन जाता है। यहाँ पे दूसरा वाक्य में भी अपने को क्या वचन परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कौन सा शब्द लगाने से, जो स्त्रीलिंग वाक्य दिया अकारण स्त्रीलिंग दिया उसके पीछे ए लगाने से यहाँ बहुवचन वाक्य मिलता है। और तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है लता तो लताएं, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, बालिका तो बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला तो पाठशालाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारण स्त्रीलिंग ये कौन सा था अकारण स्त्रीलिंग, यहाँ क्या है आकारण स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग नाम है, आकारण स्त्रीलिंग का शब्द का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में ए लगाने से, याद रखना ए जोड़ दिया जाता है, दोनों में सेम ही है, जैसे कि अ आ अकारण स्त्रीलिंग और आकारण स्त्रीलिंग, दोनों में क्या ए जोड़ने से क्या बन जाता है बहुवचन
बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे जोड़ा गया लत्ता, तो लत्ता हो गया। तो एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लत्ता, यहाँ आ का स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लत्ता ए ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ ए लगा दिया गया है, समझ गए बाल दोस्तों। तो इस तरह हमारा तीसरा टॉपिक भी यहाँ खत्म होता है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसके नियम याद रखने। ये सभी नीचे दिए गए, ये सारे नियम हैं, उसको आप नोटबुक में लिख लियो, लिख लेना और तैयार कर देना, जिससे आपको कोई भी शब्द दिया गया हो कि इसका वचन परिवर्तन कीजिए तो आप कर सकते हैं। आगे का उदाहरण चौथा नंबर है, जैसे यहाँ तिथि, तो तिथियां, विधि विधियां, लिपि लिपियां, जाति जातियां, पंक्ति पंक्तियां, नीति नीतियां। तो यहाँ क्या कहें, यहाँ हमने देख सकते हैं कि ई कारण स्त्रीलिंग शब्द, अब एक कौन सा शब्द है, ई कारण स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या दिया गया, या, क्या या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यहाँ ई दिया गया है, ई कारण ई दिया गया है, तो उसमें या जोड़कर, जैसे कि यहाँ पे दिया गया तिथि, तो कौन सा ई कारण, तो यहाँ क्या बन जाता है, तिथियां ऐसा, तो इसके पीछे यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ कौन सा, इसके पीछे यहाँ लगा दिया। तो इन सभी के पीछे देख सको, विधि तो यहाँ लगा दिया, लिपि तो यहाँ लिपियाँ, जाति तो जातियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, नीति तो नीतियाँ। तो इस तरह यहाँ हमारे ई कारण स्त्रीलिंग के पीछे आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ जोड़कर बहुवचन बनाया। दोस्तों हमारा पांचवा टॉपिक है, यहाँ उदाहरण दिया कि जैसे कि सखी तो सखियाँ, लड़की तो खिड़की तो खिड़कियाँ, मछली मछलियाँ, चीटी चीटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। तो इसमें क्या अंतर है वो देखना है। तो इकार स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। तो आपको समझाते कि यहाँ देखो, यहाँ सखी तो यहाँ बड़ी ई है, क्या है, बड़ी ई लिखा गया है, ये बड़ी। तो इसमें क्या कहे कि छोटी ई करके इसके पीछे शब्द लिखना है, जैसे कि यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाए, सखियाँ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटी ई लिखी, फिर उसके पीछे यहाँ जोड़ लिख दिया। तो इस तरह याद रखें कि जिस समय स्त्रीलिंग के जो शब्द दिए गए उसके पीछे जो बड़ी ई का वाक्य हो, तो उसको क्या कहें, छोटी ई में रूपांतर करके उसके पीछे या जोड़ने से बहुवचन बन जाता है, एक खास ध्यान रखना। तो पांचवा नियम आप नोटबुक में लिख लेना और समझ जाना। आगे देखते हैं, पूड़िया पूड़िया, चुईया चुईया, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया अन गुड़िया। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ ईया कौन सा दिया गया, ईया, यहाँ देख सकते हैं ईया, ईया जोड़ने से पीछे क्या लगा दिया, या कर दिया है। तो ईया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए अंतिम या क्या दिया है, या को या कर दिया जाता है। देखो यहाँ या को क्या कर दे, खाली इधर टपको कर दे, तो या को या कर दिया जाता है। तो इस तरह यहाँ भी हमारे बहुवचन देखने को मिलते हैं, और ये शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखना। ये हमारा छठा नियम भी पूरा हुआ, ये नियम लिख लेना बाल दोस्तों, ये सभी नोटबुक में। और सातवां आता है उकारण शब्द, उकारण, तो यहाँ देखिए उकार एटले ह्रस्व दीर्घव जैसा होता है, ये ह्रस्व वाला और ये दीर्घव। तो उकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। तो देखो आप देख रहे हो, वस्तु तो वस्तुए, धेनु तो धेनुए, ऋतु तो ऋतुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं के उकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है ह्रस्व के अंदर। ऐसे अब उकारण शब्द आठवां नियम देखते हैं, यानी कि ह्रस्व, तो उकार स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ का ऊ करके क्या कर दे, ए जोड़ने लगाने से बहुवचन बनते हैं। तो याद रखना विद्यार्थी में, यहाँ वधु तो वधुए, जू तो जुए, तो समझाता है जैसे कि यहाँ वधु दिया गया है ह्रस्व में, तो इसमें क्या कह के ऊ का ऊ करके यानी कि ह्रस्व, तो हम यहाँ कर देते जैसे कि ब दू हो गया, ए ऊ हो गया, फिर बाद में क्या जोड़े, ए जोड़ने से ये क्या बन जाएगा, अपना बहुवचन बन जाएगा। याद रखना विद्यार्थी सब बाल दोस्तों, उकार शब्द में क्या है कि उकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ का क्या कर देगा, ऊ करके उसके पीछे ए लगाने से बहुवचन बन जाता है। ये हमारा आठवां नियम है। अब नौवां नियम है, ए लिख लेना, अवकारण शब्द, अवकारण, तो यहाँ दिया गया गौ तो गौए, यहाँ कुछ नहीं कहा, अवकारण शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या लगाने का, ए लगा कर
बहुवचन बनाया जाता है। यहाँ देख सकते हो इसके पीछे खाली गौ लिखा था, गौ ए, तो इसके पीछे मात्र क्या दिया गया, ए लगाने से क्या कर दिया, बहुवचन बना दिया गया है। समझ गए? अब आगे का नियम है दसवां, तो अब ये पढ़ना है। देखो प्रजा तो प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, छात्र छात्रगण, कवि कविगण। अब आगे का मैंने आपसे बात की थी कि सभी शब्द में क्या क्या है कि एक वर्ग दल या समूह का बोध करने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण वृंद वर्ग वृंद जन या जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या है, प्रजा के पीछे जन जोड़ा गया है, पाठक के पीछे गण जोड़ा गया है, लेखक के पीछे वृंद जोड़ा गया है, मजदूर के पीछे वर्ग जोड़ा गया है, गुरुजन के गुरु के पीछे जन जोड़ा गया है, श्रोता के पीछे गण, अध्यापक के पीछे वृंद, शिक्षक के पीछे वर्ग, छात्र के पीछे गण और कवि के पीछे गण जोड़ा गया है। तो बाल दोस्तों ये आप नोटबुक में लिख लेना और तैयार भी कर देना। अब हमारा ये उदाहरण देखिए, उपर्युक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो बाल दोस्तों मैं आपको बता दें कि यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बनाना है और बहुवचन से एक वचन करना, तो ये आपको पहचानना है। तो कौन से, तो आपने देखा नदी दिया गया, तो नदी में आपको मैंने पहले बोला था कि नदी, तो यहाँ बड़ी ई क्या है, क्या है, बड़ी ई दी गई है, तो बड़ी ई का छोटी ई में रूपांतर करके पीछे या जोड़ने से क्या बन जाएगा हमारा बहुवचन, तो ऐसा हो जाएगा नदियाँ इस तरह। अब यहाँ पे किताब, तो यहाँ अ कारण पुल्लिंग है, अ दिया गया है, तो अ से अपने क्या पीछे ए लगाने से क्या बन जाएगा किताबें, तो यहाँ पे देखो किताबे, यहाँ पे दिया देखो एरा किताब। नियम में हम बता देते, जैसे यहाँ पे ए लगाने से क्या बच जाएगा बहुवचन, देखो ये रहा किताब किताबें। आगे तो यहाँ दरवाजे दिए गए, तो यहाँ क्या आएगा ए बहुवचन, तो यहाँ आएगा दरवाजा, क्या आएगा दरवाजा। और यहाँ कला आकारांत, तो कला, तो यहाँ क्या आएगा कलाएं। समझ के बाद कौवा, तो क्या आएगा कौवाए। धातु ये लिखा गया, तो यहाँ क्या आएगा धातु रस्व वाला। यहाँ भी देखो क्या क्या, बड़ी ऊ का छोटी ऊ में रूपांतर किया गया है, फिर बाद में ए लगा, तो मैं देखो धातु लिख दिया। सड़के, तो यहाँ पे क्या आएगा सड़क। और कुत्ता, तो कुत्ता है। तो इस तरह बाल दोस्तों हमारा ये वचन परिवर्तन का टॉपिक यानी कि ग्रामर भाषा सज्जता पर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलिएगा नहीं, और जो आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को यूट्यूब पर सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद, थैंक यू।